बॉलीवुड के मशहूर एक्टर विकी कौशल जल्दी अपनी अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में विकी कौशल सैम मानेकशॉ का रोल प्ले करते नजर आएंगे। वहीं सानिया मल्होत्रा सैम की पत्नी सीलू मानेकशॉ का रोल प्ले करते नजर आएंगी। भारत के सबसे जाबाज वॉरियर हीरो और पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक सैम बहादुर की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। इस फिल्म का डायरेक्शन मेघना गुलजार ने किया है और प्रोड्यूस रॉनी स्क्रूवाला कर रहे हैं। यहां हम आपको बता दें कि विकी कौशल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के टीजर के साथ रिलीज डेट का ऐलान किया है। हालांकि इस टीजर में विकी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। टीजर में विकी को मानेकशॉ के रूप में दिखाया गया है जो कैमरे की ओर अपनी पीठ करके चल रहे हैं, जबकि सैनिक उनके लिए रास्ता बना रहे हैं। साथ ही विकी कौशल ने कैप्शन में लिखा है कि 365 दिन बाद 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में सैम बहादुर रिलीज होगी। वहीं फिल्म के कहानी के बारे में बात करें तो सैम मानेकशॉ देश के सबसे महान फौजी अफसरों में से एक थे जिनकी जिंदगी पर ये फिल्म बनाई गई है। सैम मानेकशॉ को कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। साल 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया था। वो इस पद से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जनरल थे। इसके अलावा साल 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, लेकिन साल 1973 में सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद वे वेलिंगटन चले गए और वेलिंगटन में ही साल 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखना ये है कि एक्टर विकी कौशल अपनी फिल्म सैम बहादुर के जरिए दर्शकों पर राज कर पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसा एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।